नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने तबले से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं डग्गे के रियाज के बारे में और मदीन के रियाज के बारे में। तो देखिए, बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आए, तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सर डग्गे पर अच्छे ढंग से हमारे जो बोल हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, और अगर निकल पा रहे हैं तो उसमें हमारी स्पीड नहीं बन रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है कि हमारे जो डग्गे के बोल हैं वो स्पष्ट और स्पीड में नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसके बारे में हमें डिटेल में बताया जाए, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको मैं सारी समस्याओं के बारे में मैं बात करूँगा और कौन कौन सी गलती आप कर रहे हैं डग्गे में वो आपको समझ आएगी, और उसका निवारण क्या है वो भी मैं सारी वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डग्गे पर जो आपके बोल निकलते हैं, तो अगर आप डग्गे के बोल देखें तो बहुत सारे बोल डग्गे पर निकलते हैं। कुछ बोल ऐसे होते हैं जो केवल डग्गे से पर ही निकलते हैं, और कुछ बोल ऐसे होते हैं जो मदीन के साथ मिलाकर बोल निकाले जाते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए जो डग्गे के बोल हैं वो देखिए गे 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 गे। सबसे पहले ओनली डग्गे का जो बोल है वो है गे गे। देखिए क भी इसका बोल है गे गे क, और अगर आप और बोल लेना चाहते हैं तो क इसको ऐसे भी बजाते हैं क, या फिर इसे बहुत सारे जो तबला वादक हैं वो एक उंगली से बजाते हैं या फिर बाहर ऐसे रखकर बजाते हैं, तो इसको क बोलते हैं। तो ये बस आपने ध्यान में रखना है जो मैं आपको बोल बताने वाला हूँ। तो देखिए उसके बाद, अब देखिए अगर मदीन की बात करें जो मिलकर बोल बनते हैं, इधर देखिए आ इधर गे, अगर ये मिला देंगे तो धा बन जाएगा धा, और अगर टिन और गे को मिला देंगे तो थिन बन जाएगा, और अगर टिट, अब देखिए टिट ये टिट है, अगर टी की जगह गे को मिला दें तो ये धिट बन जाएगा धिट। तो देखिए जैसे जैसे बोल आप जोड़ते रहेंगे मदीन के साथ तो बोल अलग अलग होते जाएंगे। तो देखिए अब ये जो बोल हैं ये साफ स्पष्ट और स्पीड में कैसे निकाले डग्गे के जो बोल हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गे गे का रियाज करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आप ये करें, एक काम करें, आप हेडफोन ज़रूर लगा लें, क्योंकि हेडफोन लगाने से आपको इसकी साउंड पता चलेगी, एक प्रॉपर अच्छे ढंग की जो अच्छी और सही रियाज वाली जो साउंड है आपको हेडफोन लगाने से पता चलेगी, या फिर आप एक्स्ट्रा जो आपके पास स्पीकर हैं स्पीकर लगा लें और जो स्पीकर हैं उसमें लगा के आप सुनें, तो आपको पता चलेगा कि डग्गे की जो साउंड है वो कैसी है। तो देखिए अब आपने कैसे बजाना है, तो सबसे पहले आपको गेगे का रियाज से ही बैलेंस से करना पड़ेगा। अब देखिए गेगे का कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले गे ये जो सेकेंड फिंगर है ये आपने स्याही के बिल्कुल आगे यहाँ पर इसको मारना है, और क्या करना है ये जो आपका हिस्सा है हाथ का इससे आपने करना है, इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है स्याही के पीछे, और ये वाला हिस्सा स्याही के आगे जो उंगली का टिप है ये आपने आगे मारना है। अब देखिए जब इस आपने इसको मारना है तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा दबाव देना है, यहाँ पर स्याही पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने दबाव देना है। तो देखिए ये तो ये दबा हुआ है, अगर आप सुन रहे हैं हेडफोन से या फिर एक्स्ट्रा स्पीकर से तो आपको पता चलेगा ये दबा हुआ साउंड है। अब देखिए दूसरा जो गे आपने निकालना है फर्स्ट फिंगर से वो खुला निकालना है, गे यहाँ पर मैंने नहीं दबाया। अब देखिए गे गे यहाँ पर थोड़ा सा ढीला है, गे 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 गे, तो ये साउंड आपने सबसे पहले निकालनी है। इसका आप रियाज कीजिए, कम से कम आपने 10 मिनट या 15 मिनट इसका अकेले गे गे का रियाज करना है, और बैलेंस ऐसे ही होना चाहिए, पहला दबाना है दूसरा छोड़ना है, गे 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 गे। और अगर आप इसका अच्छे ढंग से रियाज कर लेंगे तो फिर आपको डग्गे पर जो बैलेंस नहीं बन रहा है या स्पीड नहीं बन रही है उसकी समस्या आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस बोल से ओनली एक ही बोल मैंने आपको बताया, गे गे गे, बस ये दो बोलों का आपने रियाज करना है, एक बार दबाना है एक बार छोड़ना है। तो इसका आप रियाज कीजिए, जब इसका रियाज अच्छे ढंग से हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, तो मैंने अपने चैनल पर डे बाय डे जो लेसन है जिसमें मैंने गे गे का कायदा बताया था, गे ना गे ना गे गे ना ना गे ना गे ना गे गे ना ना, इसके मैंने
सबसे पहले सॉरी, इसमें मैंने कायदा बताया था उसे, और इसके पलटे फिर तिहाई बताई थी, वो आपने अच्छे ढंग से उसका रियाज कर लेना है। 10-15 दिन में आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको जो डग्गे पर है मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होने वाली है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आपकी जो टेक्निक है वो गलत है, इसलिए टेक्निक को अच्छे ढंग से समझ लें। टेक्निक यही है, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपने रियाज करना है, कुछ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो मैसेज कीजिए। तो इसका आपने रियाज करने के बाद फिर क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, गेना गेना वाला कायदा 3 ताल में, और उसके पलटे और तिहाई को बजाना है। और आपने बजाना कैसे है, मैंने बिना लहरे के साथ उसको बजाया है, नगमे के बिना उसको बजाया है, तो आपने नगमे या लहरे के साथ उसको बजाना है। बिल्कुल टाइमिंग पूरी होनी चाहिए, अगर आपकी टाइमिंग पूरी नहीं होगी तो आप गलतियां करेंगे और अच्छा नहीं बजा पाएंगे। तो इसलिए इन बातों को आपने ध्यान में रखना है, और जब आपका वो रियाज हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, 3 ताल की तरफ चलना है। 3 ताल में आपने क्या करना है, 3 ताल में आपने क्या है, जो 3 ताल को है वो थोड़ा स्पीड में लेके जाना है, और बैलेंस बिल्कुल बना के रखना है। कैसे, देखिए पहले बिल्कुल स्लो, ऐसे आपने इसको बजाना है, पहले बिल्कुल स्लो, फिर धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ाते जाना है। और जब हाई स्पीड में आप चले जाएंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है, हर रोज आपने थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाना है। और जब आपको लगे कि हाई स्पीड में आप 3 ताल अच्छे ढंग से बजा पा रहे हैं, तो फिर आप ये सोच लेना कि आप 60 से 70% जो आपकी समस्या थी वो बिल्कुल सही हो चुकी है। फिर आपको उस समस्या को आपने उस समस्या को दूर कर लिया है, तो बस आपने करना है फिर हाई स्पीड में लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, तो देखिए हेडफोन लगाकर अगर आपने सुना होगा तो इसका आपको कहां पर मैंने दबाया है, कहां पर छोड़ा है खुला, वो आपको समझ आ रहा होगा। तो इसलिए 3 ताल का रियाज करने के बाद आपने क्या करना है, अब देखिए डग्गे की बिल्कुल पूरी समस्या को खत्म करना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो डग्गे पर बोल बहुत ज्यादा जिस कायदे में यूज होते हैं वो वाला आपने कायदा लेना है, और उसको आपने कम से कम उसका दिन में कम से कम आपने 30 से 40 मिनट उसका रियाज करना है। और जो मैंने आपको कायदा बताया उसका भी आपने, कायदा पलटा और जो तिहाई उसका भी आपने हर रोज रियाज करना है। कौन सा, मैंने बच्चा जो आपको बताया गेना गेना गे गेना ना, उसके आगे पलटे कायदे के और उसके बाद तिहाई, ये भी आपने हर रोज रियाज करना है। और जो जो मैंने आपको बोल बताए उनका रियाज आपने करते जाना है। अब देखिए इसके ऊपर सबसे मेन जो बोल है वो गे गे ही होता है, तो देखिए गे गे को जब आप बैलेंस कर लेते हैं तो फिर डग्गे की जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक दोस्त ने ये भी कहा था कि सर जो मेरा डग्गा है उसकी जो स्याही है, जो उसकी स्याही है वो खराब हो चुकी है, क्या उसको चेंज करवा सकते हैं। तो देखिए अगर आपकी जो पुड़ी है अगर वो बिल्कुल सही है तो आप उसको चेंज करवा लीजिए, तो फिर क्या है कि आपका जो साउंड है वो बहुत अच्छा निकलना शुरू हो जाएगा, और जो आपकी स्याही उकड़ गई है वो आपने एक अच्छे तबला जो बनाने वाले हैं उनके पास जाना है, उनकी शॉप पर जाना है, वो स्याही लगाकर आपको दे देंगे। मेरे तबले में आप देख सकते हैं, ये बाद में मैंने फिर स्याही को लगवाया था, आप देख सकते हैं। तो ये भी जो समस्या है और ये जो आपका तबला खराब हो चुका है आप उसको सही करवा सकते हैं। तो इसमें कम से कम 400-500 का खर्चा आता है। अगर आप पूरी को डलवाएंगे तो फिर आपको 1500-2000 में जो एक अच्छी पूरी है वो आपको मिलेगी। तो इसलिए आपने करना है स्याही लगवा लेनी है। अब देखिए डग्गे का मैंने आपको संपूर्ण जो रियाज है वो बता दिया है। तो देखिए इसमें सबसे मेन जो बोल है मैं फिर बता रहा हूँ, गेगे होता है, गेगे का बैलेंस होता है, बस ये ध्यान में आपने रखना है। और जो मदीन की समस्याएं हैं, मदीन की सभी समस्याएं हैं, सभी बोलों की समस्याएं हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं।
उसको देखकर भी अगर आपके मन में कोई समस्या है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस प्रश्न के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताने का, और उसका मैं आपको उत्तर ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बड़ी ही आसानी से तबला सीख सकें। धन्यवाद।